ये सैन्य कार्रवाई की तस्वीरें हैं इराक के मोसुल की, जहां इस्लामिक स्टेट के बचे खुचे आतंकियों के सफाई के लिए बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया है। इस सैन्य अभियान में टैंक से लेकर लड़ाकू विमानों तक को शामिल किया गया है। साथ ही सैन्य कार्रवाई में सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ हेलीकॉप्टरों को भी लगाया गया है। ये सैन्य कार्रवाई कितने बड़े पैमाने पर शुरू की गई है, तस्वीरें देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। दरअसल ये लगातार खबरें मिल रही थीं कि इस्लामिक स्टेट इराक में फिर से संगठित हो रहा है, जिसके बाद आईएस आतंकियों की जड़ काटने के लिए ये सैन्य अभियान चलाया गया। इराकी अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान देश के 5 क्षेत्रों में चलाया गया है, जिसमें सीरियाई सीमा के नजदीक मोसुल और किरकुल शामिल हैं। उधर अमेरिका ने भी इराक में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। ये हमला तब हुआ है जब 2 दिन पहले एक रॉकेट हमले में अमेरिका का एक असैन्य ठेकेदार मारा गया था। इराकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के कहने पर ही इराक ने ये सैन्य अभियान शुरू किया है।